हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता। वेलकम टू माय चैनल मैरिनेड ऑफ फ्लेवर्स। आज हम बनाने वाले हैं पार्ले जी बिस्किट से चोको केक्स, और वो भी सैंडविच मेकर में। 3 से 4 मिनट में ये बनके रेडी हो जाते हैं, और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। टी टाइम स्नैक्स के लिए या फिर बच्चों के टिफिन के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं ये डिलीशियस और टेस्टी चोको केक्स कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट्स के ऐसे 3 पैकेट्स लिए हैं। ये एक पैकेट 80 ग्राम्स का है। मैंने यहाँ पे टोटल 240 ग्राम्स बिस्किट लिए हैं। अब हम पैकेट को खोल के सारे बिस्किट्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन्हें ऐसे हाथ से तोड़ के इनके छोटे टुकड़े कर लेंगे। और अब हम इन्हें ग्राइंडर जार में डाल के इनकी अच्छे से पाउडर बना लेंगे। हमें इनकी एकदम फाइन पाउडर बना लेनी है, क्योंकि इसमें बिस्किट्स के कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। इसी तरह से हमने सारे बिस्किट्स की मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर बना ली है, और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 4 चम्मच पाउडर शुगर। आप जितना आपको स्वीट चाहिए वो हिसाब से शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। इसे हम स्ट्रेन करके डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अराउंड 1.5 कप दूध लिया है, पर हम सारा दूध एक साथ नहीं ऐड करेंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है। दूध हम रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर को 2 टेबलस्पून गर्म पानी में मिक्स कर लिया है। चॉकलेट केक में कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस, और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पे और ऐड कर रही हूँ, और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम केक सैंडविच मेकर में बना रहे हैं, इसलिए हमें इसकी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। इससे केक बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बस ऐसा ही बैटर हमें केक बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ये बैटर बनके रेडी है। अब हम इसे बेक करने की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सैंडविच मेकर को प्रीहीट कर लेंगे, और अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हमें इसके ऊपर वाली साइड को भी ग्रीस कर लेना है, ताकि केक अच्छे से निकल सके। अब हम बैटर को चम्मच से इसमें डालेंगे, और इसे ऐसे ही चम्मच से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही बैटर डाल के इसे स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे बंद करके 3 से 4 मिनट तक बेक होने देंगे। 3-4 मिनट के बाद हम स्विच बंद करके इसे खोल के देखेंगे। इसे ऐसे प्रेस करने पर बैटर ज़रा भी हाथ में चिपक नहीं रहा है, मतलब ये परफेक्ट बेक हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बैटर से भी ऐसे केक बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये केक्स कितने परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, और हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं इन्हें बेक करने के लिए। अब हम इनके लिए चॉकलेट गनाश बनाएंगे, जिससे इस केक में डबल चॉकलेट फ्लेवर आएगा, और ये और भी डिलीशियस बनेंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर डाल रही हूँ। पाउडर शुगर की जगह आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच दूध। दूध में शुगर अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसे मिलाते रहेंगे। मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर यूज़ की थी, इसलिए इसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुगर मेल्ट होने पर हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे थोड़ी देर मिलाते रहना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे इसे स्मूथ टेक्सचर आया है, कोई लम्स नहीं है इसमें अभी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर। बटर से इस सिरप में ग्लेज बहुत अच्छी आती है। बटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऐसे मिलाते रहेंगे, ताकि ये थोड़ा सा थिक बने।
आप अगर कभी घर पे केक या फिर पेस्ट्री बनाओगे तो उसकी टेस्ट को और बढ़ाने के लिए आप बहुत ही इजीली और कम समय में ये चॉकलेट गनाश घर पे बना सकते हो। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे ये हमारा स्मूथ एंड शाइनी चॉकलेट गनाश बनके रेडी है। अब हम इस चॉकलेट गनाश को एक बोल में निकाल लेंगे और हमने जो केक्स बनाए थे उन्हें अब हम एक एक करके इसमें से डिप कर लेंगे और फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी केक्स को भी चॉकलेट गनाश में डिप करके प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इन्हें गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़े जेम्स क्रश करके डाले हैं। यहाँ पे मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके इसके ऊपर ऐसा डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकल्स या फिर चोको चिप्स डाल के भी इसे गार्निश कर सकते हो, या फिर आप जैसे चाहे वैसे इसे गार्निश कर सकते हो। और बिना कुछ डाले भी आप अगर इसे ऐसे ही खाओगे तो भी इसका टेस्ट बढ़िया ही आएगा। चॉकलेट गनाश भी आपको अगर नहीं बनाना है तो आप बस ऐसे चॉकलेट सिरप इसके ऊपर डाल के इसे ऐसे सर्व कर सकते हो। तो बस यहाँ पे ये सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड टेस्टी चोको केक्स बन के रेडी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इन्हें बनाने के लिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप ये डिलीशियस चोको केक्स घर पे ज़रूर बनाइए और इन्हें अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।